अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हो तो दोस्तों यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है ये पता करना कि आपने जो एंड्रॉयड डिवाइस परचेस किया है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे सैमसंग हो, मोटरोला हो, जामी हो, या कस्टम ओएम्स पे बेस्ड अलग अलग फ़ोन हो, ओप्पो वीवो जो भी हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि ये चेक करना है कि जो डिवाइस आपने खरीदा है, जो मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा है, वो कितना जेन्युइन है। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। अब देखिए, अगर हम बात करें एप्पल डिवाइस की, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि एप्पल का अपना इकोसिस्टम है, अपना एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके IMEI नंबर डाल के या सीरियल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो अपने डिवाइस की सारी स्पेसिफिकेशन। लेकिन एंड्रॉयड के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है, तो ये सबसे चैलेंज वाली बात है। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने कोई डिवाइस परचेस किया है और अगर आप जानना चाहते हो कि आपका डिवाइस कितना जेन्युइन है, तो यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप बता रहा हूँ मैं, उसको फॉलो करिए। देखिए, सबसे पहले तो आप क्वालिटी देख ही लेंगे, मतलब जो आपका बॉक्स है उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर स्पेसिफिकेशन लिखा है, वो सारी मीट कर लिया कि नहीं। क्योंकि जब भी आप डिवाइस परचेज करने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा डिवाइस परचेज करने जा रहे हो, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है, क्या फीचर्स है। इतना अगर आपको पता है तो बस यहाँ पे दोस्तों आपका काम हो जाता है। अगला स्टेप क्या है दोस्तों, कि जब आपने डिवाइस परचेज कर लिया और जब लाके उसको आपने घर पे खोला, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो बॉक्स के अंदर डिवाइस था वो कितना जेन्युइन है। तो उसके लिए आपको सिर्फ फॉलो करने हैं सिंपल से प्रोसेस जो नीचे लिखे हुए हैं, और ये दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं। देखिए, दो एप्लीकेशन का नाम क्या है ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, प्ले स्टोर में जाके आपको ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। और बेसिकली दोनों एप्लीकेशन करते क्या है, ये आपके फ़ोन के जो सिस्टम है उसकी डायग्नोसिस करते हैं, और फिर ये आपको पूरी डिटेल ला के आपकी स्क्रीन पे रख देते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर है भाई, कौन सा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या रैम है, रोम है, मेमोरी है, सेंसर है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर ला के ये रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मेरे पास एक Xiaomi का Redmi Note 4, और हम इसकी डायग्नोसिस करेंगे और फिर पता करेंगे कि ये फ़ोन जेन्युइन है कि नहीं। हालांकि ये जेन्युइन है मुझे पता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा एंड्रॉयड डिवाइस आता है तो उसमें भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन जो है दोनों यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे हैं। पहला एप्लीकेशन जो था वो है CPU Jet, और दूसरा जो है दोस्तों वो है AIDA64। ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। अब हम एक एक करके दोनों एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे और फिर देखेंगे ये हमारे डिवाइस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो भैया चलो पहले कर लेते हैं हम CPU Jet। यहाँ पर सबसे ऊपर दोस्तों इसने मेरे को बता दिया है कि ये जो फ़ोन है भैया ये है Qualcomm Snapdragon 625 2.02 GHz का, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो जेन्युइन है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर फेक फ़ोन है तो उसके अंदर जो ये सारी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है अगर वो ओरिजिनल होगी तो फिर डेफिनेटली वो फेक फ़ोन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर वो फेक चीज़ें डालेंगे फ़ोन के अंदर, मतलब फेक फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये उसको डायग्नाइज कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, और यहाँ पे बता देगा भैया कि जो हार्डवेयर आपने देखा था फ़ोन खरीदते टाइम वो हार्डवेयर तो इस फ़ोन के अंदर नहीं है। और अगर वो हार्डवेयर नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, आपने जो फ़ोन ख़रीदा है यहाँ पे आपका कट गया है और आपने खरीद लिया एक नकली फ़ोन। लेकिन अगर वो सही है, जैसे कि मुझे पता है कि मैंने जो डिवाइस ख़रीदा, मतलब रेडमी नोट 4, उसका जो प्रोसेसर है वो यही था, तो हाँ भाई चलो प्रोसेसर हो गया ठीक, Qualcomm Snapdragon 625 डन। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 कोर्स है ये बता दिया इसने, आर्किटेक्चर बता दिया। तो भाई यहाँ पे 8 कोर्स है, तो यहाँ पे देखो आपको 8 कोर्स भी दिख रहे हैं, CPU 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब सारे 8 कोर भी दिखा रहा है आपको। अगर हम आगे जाते हैं तो देखो यहाँ पे दोस्तों डिवाइस के इन्फॉर्मेशन में आपके मॉडल का नाम, ब्रांड, जो भी अंदर स्पेसिफिकेशन है, लाइक स्क्रीन का जो साइज़ है आपका, स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन का जो PPI है, डिस्प्ले पर इंच है, डायमेंशन है, वेट है, रैम कितना है, रोम कितना है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। और इसके साथ ही यहाँ पे रिलीज डेट क्या है, 1/8/2016, ये भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल देखना है कि आपका जो प्रोसेसर है, जो रैम है, जो रोम है, जो कैमरा के सेंसर्स हैं, वो सारी चीज़ें मीट हो रही है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें मीट हो गई तो डेफिनेटली आपका फ़ोन फेक नहीं हो सकता यहाँ पे। तो देखो ये सारी स्पेसिफिकेशन इसने बता दी, और इससे पता लग गया कि भाई जो डिवाइस मैंने खरीदा, जो एंड्रॉयड फ़ोन मैंने खरीदा, वो यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन है। तो चलो भैया ये डिवाइस तो जेन्युइन है। अब देख लेते हैं दूसरा एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था AIDA64,
चलो भैया उसे भी खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हाँ अलग अलग कैटेगरी आ गई। तो आप अंदर जाके देख लो कि भाई सिस्टम कौन सा है आपका। सिस्टम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो आपको आ गया Xiaomi Redmi Note 4, फैबलेट है, Xiaomi है, Redmi है, कंपनी है, Qualcomm का Snapdragon है, सब कुछ इसमें आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि आपको देखना है डिस्प्ले कौन सा है, डिस्प्ले क्लिक किया आपने दोस्तों, यहाँ पे आपको PPI मिल गया, आपकी डिस्प्ले किसकी तरफ से है वो पता चल गया, GPU CPU सब पता चल गया, स्क्रीन रेजोल्यूशन पता चल गया। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो देखिए यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन लगभग सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो आपको क्या करना भैया, सबसे पहले जब फ़ोन खरीदते हो आप, तो आपको जाना है सीधे सीधे प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको ये दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। आपके पास आपकी डिटेल होनी चाहिए कि आपने कौन सा फ़ोन खरीदा है, उसके अंदर कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये एप्लीकेशन खोलो, यहाँ पे भाई आ जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे, और फिर यहाँ पे आप देख लो कि आपने जो चीज़ खरीदी है वो कितनी जेन्युइन है। तो भाई यहाँ पर सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो, जिससे आप एक्चुअली चेक कर सकते हो कि आपका जो डिवाइस है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने कोई एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा है तो उसको कैसे चेक करना है कि वो कितना जेन्युइन है या कितना नहीं है। उसके अलावा अगर आईफोन है तो भाई आईफोन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कर दी है, ऊपर लिंक भी है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म दोस्तों, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।